Hello everyone, welcome to Real Time. Power of Biometric. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रियल टाइम बायोमेट्रिक्स T401F को हम डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में कनेक्टिविटी के लिए आपको सीधे मेनू प्रेस करना है। मेनू प्रेस करके सेटकॉम में जाना है। सेटकॉम के अंदर नेटवर्क के अंदर ये देख सकते हैं हमें नेट मोड मिलता है। तो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में जब भी हम डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तो नेट मोड हमारा लोकल ही होना चाहिए। इसके बाद अगला हमें ईथरनेट में जाना है। ईथरनेट के अंदर से हमें आईपी एड्रेस मिलेगा। इनकेस अगर हमारा ये आईपी एड्रेस वैलिड ना हो तो हम डीएचसीपी इनेबल करके एक बार मशीन को जैसे ही रीस्टार्ट कर देंगे डिवाइस को ऑटोमेटिक एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा। जो भी आईपी एड्रेस हमें मिल जाएगा वो आईपी एड्रेस हम सॉफ्टवेयर के अंदर इंसर्ट कर देंगे तो हमारी मशीन भी कनेक्ट हो जाएगी। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ हमें यही दो चीज़ मेजर ध्यान देना है, एक आईपी एड्रेस और दूसरा हमारा नेट मोड। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में कनेक्टिविटी में नेट मोड लोकल ही होना चाहिए। जो दूसरा ऑप्शन हमारा इंटरनेट है ये सिर्फ क्लाउड सॉफ्टवेयर में कनेक्टिविटी के लिए है। डेस्कटॉप के लिए आपको नेट मोड लोकल ही रखना है। जो भी आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा वो आईपी एड्रेस सॉफ्टवेयर के अंदर डालेंगे, नेट मोड लोकल करेंगे, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर के अंदर डिवाइस को कनेक्ट करके डेटा डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं।